मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रीलांसिंग क्विज 3 के आंसर्स। क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्विज को कंपाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपने अब तक अपनी फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नहीं की तो आप मेरे चैनल देखकर उस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्विज शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर आपको इन सब के आंसर्स बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट लाइक योर मॉकअप द मोस्ट ऑफ द टाइम ही सैश शी डैश ओपन डिस्प्यूट प्रोवाइड यू अ सजेशन एंड आस्क फॉर अ रिवाइज सैम्पल एक्सेप्ट इट एनीवे रिपोर्ट टू फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने एज अ डिज़ाइनर और एज अ एनी वर्कर कि आपने जो भी आसान आवाज में अगर कहूँ कि जो भी चीज़ आपने प्रोवाइड की है अपने एम्प्लॉयर को और उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती तो वो क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोशिश ये करता कि वो आपसे रिवीजन के लिए कहे। यहाँ पर प्रोवाइड यू अ सजेशन एंड आस्क फॉर अ रिवीजन या रिवाइज सैंपल, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको अनलिमिटेड रिवीजन रखनी चाहिए ताकि आपका जो भी बायर है वो एटलीस्ट सेटिस्फाई जरूर रहे आपके वर्क से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग अ वेबसाइट, फेसबुक लिंक्डइन वर्डप्रेस एंड ट्विटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास वर्डप्रेस। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा वर्डप्रेस का यूज करते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं वो प्रीवियस किसी बैचेस के सोल्यूशन होते हैं, तो आप यहाँ पर मेक श्योर करो कि देखो यहाँ पे 29 नवंबर 2021 आपके पास करेक्टली डेट प्रोवाइड की गई है। तो आप इस चीज़ से भी चेकआउट कर सकते हो कि मैं आपको जो भी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ वो करेंटली बैचेस के ही होते हैं, मैं पिछले किसी बैच की कोई वीडियो जो है वो रिपीट आउट नहीं करती। बाय द वे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती चलूं कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वर्डप्रेस से रिलेटेड भी एक कंप्लीट कोर्स है, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप उस कोर्स को भी अवेल कर लीजिए। Then we have the question number 3 and it says, you can access your freelance profile via smartphone, tablet, laptop, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर all of the above। आप जो है इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने freelance marketplace में लॉग इन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the most important aspect in bid response for a client? Freelance education, understanding and response to all the requirements, include scripted response, freelance picture. This is a very important question, ये आपकी exercise से भी related है यहाँ पर कि आपका जो बिड रिस्पॉन्स होता है वो कितना मैटर करता है। अगर आपने एक्सरसाइज की हो फ्रीलांसिंग की तो आपने उसमें जो है बिड रिस्पॉन्स तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ आपने उसमें डिलीवरेबल्स को भी बताना है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे अपनी एक्सरसाइज चेक कराई है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि डिलीवरेबल्स के अंदर जो है ना डिलीवरेबल्स के अंदर जो है ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट आउट की हुई है। क्या है कि प्रोजेक्ट में कुछ और पूछा जा रहा है, वो लिख कुछ और रहे हैं, तो ये चीज़ जो है बिट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है आपके पास कि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको सारे के सारे रिस्पॉन्स और सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए। हमारा क्या होता है कि बस हम देखते हैं कि ठीक है एक प्रोजेक्ट आ रहा है हम उसको कर लेते हैं, हमें वो करना आ रहा हो या नहीं करना आ रहा हो समझ में भी नहीं आ रहा, बस हम उसको जो है कि कितने ग्रैब आउट कर लेते हैं कि किसी तरीके से तो हमें जो है वो डॉलर्स मिले। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट पे बेट करते हो तो काइंडली उसका रिस्पांस और उसके रिक्वायरमेंट के थ्रू जरूर लेट गो किया करो।
Then we have question number 5 and 6. Which of the following is the largest social media network in terms of use? Twitter, Facebook, WhatsApp and Instagram. So obviously the correct answer Facebook rehne wala hai. Sab log jo hai wo sabse zyada Facebook istemal karte hain. Ab tak Facebook se waise yaad aaya ki agar aapne ab tak mera Facebook ka DigiSkill batch 11 Mahek Alamgir ka group join nahi kiya to us group ko jaldi se join kar lijiye kyunki main DigiSkill se related sari exercise and quizzes ke solution har batch ke अंदर इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड आउट करने के साथ साथ आपके लिए काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज भी इस फेसबुक ग्रुप के अंदर लेकर आती रहती हूँ. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. एज अ कंटेंट राइटर यू कैन आल्सो रेफर फ्री मॉकअप्स ऑफ डैश टू योर क्लाइंट लोगो डिजाइन अ पैराग्राफ थंबनेल एंड पोर्टफोलियो. तो यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली कॉन्टेंट राइटर की बात हुई है तो जब भी कॉन्टेंट राइटर होता है वो हमेशा आपके पास कोई ना कोई पैराग्राफ कोई ना कोई पैसेज कोई ना कोई शॉर्ट समरी इस तरीके के फ्री मॉकअप्स अपने क्लाइंट को प्रोवाइड आउट करता है. तो यहाँ पर आप पैराग्राफ इसका करेक्ट आंसर रहेगा. हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन स्वाइप कर दूसरे तरीके से हो जाए कि क्या कहते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर यू कैन ऑल्सो रेफर टू फ्री मॉकअप्स ऑन डैश टू योर क्लाइंट. तो आप फिर लोगो डिज़ाइन कह सकते हो. इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अगर थंबनेल्स की बात होती है आपके पास तो आप इसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काउंट कर सकते हो. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज इनिशियली इफ यू आर अनएबल टू गेट अ रिस्पांस फ्रॉम द क्लाइंट देन व्हाट स्ट्रेटजी यू हैव टू चूज लोअर योर बिड प्राइस हायर योर बिड प्राइस डू नॉट चेंज योर बिड प्राइस बिड ऑन अदर प्रोजेक्ट्स. ओके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की चीज़ है कि अगर आपको क्लाइंट का रिस्पांस नहीं मिलता तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए. बेसिकली पूछने का मकसद ये है यहाँ पर. अगर तो देखें आपको लगता है कि 100% फिटेड प्रोजेक्ट है मैं इसको कर सकता हूँ और मुझ में इतनी काबिलियत है इसको करने की लेकिन फिर भी क्लाइंट जो है क्या कहते हैं मुझसे कम पैसे मांग रहा है. अगर फ़र्ज़ करो कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो $20 का आपके पास अवेलेबल है लेकिन क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप इसको जो है वो मुझे $15 के अंदर कर दे दीजिए. तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है $15 इज़ अ गुड प्राइस कि मैं इसको कम करके $15 में कर दे दूं तो आप लोअर योर बिड प्राइस कर दीजिए और उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए. लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वर्डप्रेस की एक वेबसाइट जो है वो $100 से लेके $150 में बनती है तो आप उसको $5 के अंदर बनाना शुरू करते हैं. दिस इज़ नॉट अ थिंग. आपको इस बारे में सोचना है सोचकर अपनी प्राइस को जो है वो लोअर आउट करना है. देन वी हैव द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट सेज व्हाइल इंट्रोडक्टिंग योरसेल्फ इन अ बिड रिस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड योर स्किल सेट इंडस्ट्री यू हैव वर्क विद योर वर्क एक्सपीरियंस योर फैमिली इंफॉर्मेशन. सो योर फैमिली इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. कह रहे हैं कि जब आप बिट का रिस्पॉन्स जो है वो बताएं जब आप स्टार्ट करें अपनी बिट को इंट्रोडक्शन करें अपना तो उसमें क्या चीज़ जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए. तो आपका फैमिली रिस्पॉन्स शामिल नहीं होना चाहिए. कभी भी बाहर को आपने ये नहीं कहना कि सर मैं एक बहुत गरीब फ्री लांसर हूँ मेरे घर में 4 बहन भाई हैं मुझसे छोटे जिनको मुझे पढ़ाना है तो इसलिए आप काइंडली मुझे ये प्रोजेक्ट दे दें. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर बिट रिस्पॉन्स. अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं सर काइंडली हमें ये प्रोजेक्ट दे दें हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है. एक्चुअली आपको इस तरीके से जो है वो फ्री लांसिंग नहीं करनी. ये सब फ्री लांसिंग की इथिक्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ है. तो आपको हमेशा सोच समझ कर जो है क्या कहते हैं फ्री लांसिंग को करना चाहिए. हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. इफ़ अ फ्री लांसर इज यूजिंग वायर ट्रांसफर पेमेंट मैथड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस देन मनी विल बी ट्रांसफर टू फ्रीलांसर बैंक अकाउंट फेसबुक अकाउंट एम्प्लॉयर बैंक अकाउंट एम्प्लॉयर्स फेसबुक अकाउंट. तो फ्रीलांसर्स बैंक अकाउंट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा. वो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर एक फ्रीलांसर वायर ट्रांसफर पेमेंट का मैथड यूज करता है विदड्रॉ करता है अपनी मनी को किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस से तो मनी कहाँ पर ट्रांसफर होती है. तो डेफिनेटली वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है. एक ऑप्शन यहाँ पर और था एम्प्लॉयर बैंक अकाउंट एम्प्लॉयर्स ओके फ्रीलांस बैंक अकाउंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ लोग जो है वो कल के करते जो है वो फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं और अगले दिन बैंक अकाउंट खुलवाना शुरू कर देते हैं कि जी कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है. तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जब तक आपके $100 फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर कंपाइल नहीं हो जाते अपना बैंक अकाउंट मत खुलवा
खुलवाइए। अगर आप $10 जमा करके अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो कट कट आके आपके पास सिर्फ और सिर्फ $5 से $7 आते हैं, जो कि ₹800 जिसकी जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मालियत होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं होते। तो ₹800 सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करने के लिए आप बैंक में कितना ज़्यादा जो है वो परेशान हाल होंगे, तो उससे बहुत बेटर है कि आप जो है जब तक आप कम से कम $50 या $100 जमा नहीं कर लें आप अपना बैंक अकाउंट मत खुलवाइए। तो ये मेरा एक मुखलसाना मशवरा है आप लोगों के लिए। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट हो गया है मेरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ योर बेड रिस्पॉन्स? क्लोजिंग ऑफ द बेड, ग्रीटिंग, योर स्काइप इन्फॉर्मेशन, योर फोन नंबर। Which of the following should be the most initial part? Initial का मतलब होता है क्या होता है initial का मतलब? Initial का मतलब होता है important part of the bed. Important part क्या है? Closing of the bed या फिर greetings? Greetings से कोई फर्क नहीं पड़ता, Skype information की कोई जरूरत नहीं है, phone number की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो इसका correct answer रहेगा closing of the bed। कभी भी अपने जो भी आपका बायर हो उसको जब भी आप बेड लिख रहे हो प्लीज़ उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट लिखना बंद कीजिए। अक्सर मेरे पास ऐसे जो है क्या कहते हैं अभी एक्सरसाइज की बात है, अक्सर मेरे पास इस तरीके के बच्चों की जो है बेड रिस्पॉन्स आया है जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट लिखा होता है। तो काइंडली अगर आपके यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांसर के यहाँ पे जो आपका बायर है उसके यहाँ पे भी मॉर्निंग हो रही है। तो काइंडली ग्रीटिंग्स को अवॉइड कीजिए, इस तरीके की ग्रीटिंग्स को मत लिखिए। ये था हमारा आज का अमेजिंग फ्रीलांसिंग का क्विज। उम्मीद करती हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा। फ्रीलांसिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उसकी एक्सरसाइज एंड क्विज का सलूशन अपलोड कर दूंगी चैनल के ऊपर। एक्सरसाइज तो सारी की सारी अपलोड है, मेक श्योर कीजिएगा कि चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं मेरे चैनल से। मैं डिजिटल स्किल के अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज कराती हूँ जिसके अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट के काफी सारे अच्छे कोर्सेज कराए हैं। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का ई स्पोर्ट का कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि मैंने करवाया अपने चैनल पे, तो आप मेक श्योर करो कि आप ये वाला कोर्स भी अपने लिए लाजमी करो। इन कोर्सेज की अच्छी बात ये होती है कि आप एक दिन के अंदर इन कोर्सेज को कंपाइल कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।